नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और बदलते गांव की बदलती तस्वीर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं आपका ये शो गांव आज तक लेकर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज हम आपको गांव के ऐसे होनहारों से मिलवाएंगे जिन्होंने गांव में गणतंत्र की नींव को मजबूत किया है। सबसे पहली कहानी है मध्य प्रदेश के राजगढ़ के चार इंजीनियर्स की। एक पिछड़ी ग्राम पंचायत को इन नौजवान इंजीनियर्स ने फ्री वाईफाई की सौगात दी है। खास बात यह है कि उन्होंने ये पूरा काम अपने खुद के पैसे से किया है। ये उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि आज उनकी ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की पहली फ्री वाईफाई पंचायत बन गई है। मध्य प्रदेश के बाबड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत के गांवों में घुसते ही एक बारगी तो आपके अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि आप शहर में हैं या फिर गांव में, क्योंकि यहां पर हर हाथ में आपको स्मार्टफोन मिलेगा। जगह जगह पर लैपटॉप्स के साथ काम करते हुए किसान मिलेंगे। कोई लैपटॉप पर सरकारी योजनाओं की जानकारी ले रहा है तो कोई मोबाइल पर रामायण देख रहा है। गांव में फ्री वाईफाई लाने का श्रेय जाता है उन चार इंजीनियर्स को जिन्होंने अपने पैसे से ही गांव में इंटरनेट क्रांति ला दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के जो सपने को पूरा करने की और हमारा एक और ये सार्थक कदम है, इसमें मैं और मेरे अन्य साथियों ने अपना पूरा योगदान दिया है, क्योंकि भानु यादव, अभिषेक भड़तरे और शकील अंजुम, हमने पूरी मेहनत करके ग्राम पंचायत को भी वाईफाई कर दिया है। हमने एक छोटा प्रयास किया है, पहले हमने शिवनाथपुरा गांव वाईफाई किया था 4 अक्टूबर को, 17 नवंबर को हमने बावड़ी खेड़ा जागीर ग्राम पंचायत फ्री वाईफाई कर दी थी। कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के गांव में इंटरनेट क्रांति लाने का श्रेय राजगढ़ के चार युवा इंजीनियर्स को जाता है। बाबड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत देश की पहली ऐसी ग्राम पंचायत बन गई है जहां निजी प्रयासों से फ्री वाईफाई सुविधा दी जा रही है। हमने ग्राम पंचायत बाबड़ी खेड़ा जागीर जो कि अभी पूरी तरीके से वाईफाई कर दिया, जो कि अपने मध्य प्रदेश की पहली वाईफाई ग्राम पंचायत है और इंडिया की भी यह पहली निजी खर्चे द्वारा की गई पहली ग्राम पंचायत है। करीब 3 महीने पहले राजगढ़ के चार युवाओं ने बाबड़ी खेड़ा पंचायत के शिवनाथपुरा गांव को निजी खर्चों से फ्री वाईफाई किया था और इसके बाद इन्होंने बाबड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत को भी फ्री वाईफाई जोन में लाने की कोशिश शुरू की। निजी खर्च पर गांव में टावर लगाया गया, प्राइवेट कंपनी से लीज लाइन ली गई। इनकी मेहनत से गांव के लोग आज 3 Mbps स्पीड के साथ अनलिमिटेड डेटा का मजा ले रहे हैं। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सभी युवा लोग चलाने लगे हैं और पोर्टलों के माध्यम से जो जानकारियां होती हैं वो हम भी देखते हैं और ग्राम के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं उन लोगों को बताते हैं। रामायण महाभारत और यहाँ पे बुजुर्गों को यूट्यूब पे रामायण महाभारत ये भी दिखाते हैं। बाबड़ी खेड़ा ग्राम पंचायत को पूरी तरह से फ्री वाईफाई जोन में लाने के बाद ये नौजवान मध्य प्रदेश के दूसरे गांवों में भी फ्री वाईफाई सुविधा देने की योजना बना रहे हैं। हालांकि आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने इस प्रोजेक्ट को अमली जामा नहीं पहना पा रहे। पंकज शर्मा, राजगढ़ आज तक। उत्तर प्रदेश के कानपुर के एक छोटे से कस्बे का लड़का बड़े सपने लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचा। अपनी मेहनत के दम पर उसने हिंदी मीडियम से देश की सबसे कठिन परीक्षा UPSC को पास किया। उसका चयन भारतीय विदेश सेवा के लिए हुआ, लेकिन ट्रेनिंग के दौरान जब उसे पता चला कि सिविल सर्विसेज में गांव के लड़कों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है तो उसने जिंदगी का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया, उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी थी। अब उस नौजवान को तलाश है गांव के उन 25 होनहारों की जिन्हें तराश कर वो हीरा बनाना चाहता है। गणतंत्र दिवस के खास मौके पर मिलिए उस नायक से। मुखर्जी नगर, राजधानी दिल्ली का ये इलाका सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों का गढ़ माना जाता है। हर साल यहाँ गांव और छोटे कस्बों के लाखों छात्र UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस भीड़ के बीच एक ऐसा शख्स भी रह रहा है जो गांव के छात्रों के लिए भारतीय विदेश सेवा यानी IFS की नौकरी छोड़कर आया है। इस शख्स का नाम है TN कौशल।
हिंदी मीडियम के छात्र ज़्यादातर ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी काफ़ी पिछड़ी हुई होती है, उन लोगों को मुझे ट्रेंड करना है। तो हम लोगों को JNU में ही लगता था कि समाज में सीधे काम करना चाहिए, तो सिविल सर्विस में भी काफ़ी कुछ किया जा सकता है, पर एजुकेशन सेक्टर मुझे लगता है कि इस देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें सुधार करना। गांव के छात्रों के लिए TN कौशल ने नौकरी क्यों छोड़ी, ये जानने से पहले उनका परिचय जान लीजिए। कानपुर के नवोदय स्कूल से पढ़े कौशल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट और JNU से हिंदी साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। 2005 में यूपी में ट्रेजरी अफसर चुने गए, 2006 में यूपी में SDM बने, 2010 में UPSC का एग्जाम पास करके असिस्टेंट इनकम टैक्स कमिश्नर बने और फिर 2011 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुने गए। लेकिन ट्रेनिंग के बाद इन्होंने नौकरी छोड़ दी। अब कौशल गांव के छात्रों को सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए तैयार करना चाहते हैं। उनका मानना है कि सही गाइडेंस नहीं मिलने से गांव के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। वो IIT एग्जाम के लिए चल रहे सुपर 30 के मॉडल पर IAS के लिए सुपर 25 शुरू करने जा रहे हैं। मैं कुछ लड़कों को कलेक्ट करके कम से कम 25 लड़कों को सुपर 30 के मॉडल पे ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, ताकि वो सिविल सर्विस में जाएं। जब वो सिविल सर्विस में जाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको भी प्रेरणा मिलेगी, वो आगे लोगों को ट्रेन करेंगे, इस तरह से एक चेन बन सकती है। कौशल के हर फैसले में उनकी पत्नी रीना उनके साथ हैं। JNU से पढ़ी रीना भी कौशल के साथ मिलकर सुपर 25 मिशन को कामयाब बनाने में जुटी हैं। इन्होंने ऐसा ना किया होता तो मुझे ज़रूर खराब लगता, क्योंकि हम लोग JNU के स्कॉलर्स हैं और तभी पढ़ते समय ही ऐसा कुछ लगता था कि हाँ कुछ करना चाहिए ग्रामीण बच्चों के लिए। तो बाद में जब इन्होंने जॉब करते हुए मुझे ये आइडिया बताया तो शुरुआत में थोड़ा सा लगा कि अचानक से इतनी बड़ी जॉब छोड़ के जाना, पर फिर लगा कि नहीं ठीक है, जो सोचा है वो कर रहे हैं। गांव के छात्रों के लिए अपना सब कुछ दांव पर ला चुके पूर्व IFS कौशल इस मुहिम में कितने सफल होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनका ये जज्बा काबिले तारीफ है। सिमर कौर आज तक। कहते हैं भारत का टैलेंट गाँव में बसता है। हरियाणा के एक गाँव के लड़के ने वो कर दिखाया है जिसे देख कर आप दंग रह जाएंगे। छोटी सी उम्र में उस लड़के ने मिनी ट्रैक्टर का निर्माण किया है। इस ट्रैक्टर की लागत 8,000 रुपए है। गांव के लोगों के लिए यह ट्रैक्टर काफी मददगार साबित हो रहा है। चलिए इस गांव चलते हैं और इस जूनियर इंजीनियर की कहानी सुनते हैं। पुरानी बाइक का इंजन, टूटी फूटी मारुति कार की स्टेयरिंग, खराब पड़े ऑटो का टायर और कबाड़ में पड़े गाड़ियों के कलपुर्जों को तोड़कर तैयार हुआ है ये नायाब मिनी ट्रैक्टर। सही मायने में ये मिनी ट्रैक्टर द ग्रेट इंडियन जुगाड़ टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना है। पेट्रोल से चलने वाले इस ट्रैक्टर को बनाया है हरियाणा के हिसार के गांव पेटवाड़ के रहने वाले नवदीप ने। 11वीं पढ़ने वाले नवदीप ने महज 8,000 की लागत में इस मिनी ट्रैक्टर को तैयार किया है। इस जुगाड़ू ट्रैक्टर को गांव वाले रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी लाने, जनरेटर के लिए डीजल लाने और भारी सामान उठाने के लिए इसका खास तौर से इस्तेमाल किया जा रहा है। 2-सीटर ये मिनी ट्रैक्टर 2.5 क्विंटल तक बोझ ढो सकता है। तो 9th में पढ़ता था मैम, जब मैंने ये छोटे साइज के ट्रैक्टर के साथ हम बना करता, फिर मुझे बड़ा बनाने का शौक आया था मैम। फिर मैंने इसमें एक बाइक का इंजन रख कर मैंने एक ट्रैक्टर बनाया था मैम। फिर मैंने इसमें एक मारुति का हैंडल और ऑटो के टायर लगाकर एक ट्रैक्टर बनाया मैम, और इस पर मैं 2 सवारी भी चला सकता हूँ और इसके ऊपर मैं पानी भी ले आता हूँ। बस घर वालों के मुताबिक 11वीं में पढ़ने वाले नवदीप को गाड़ियों का शौक है। वो अक्सर घर वालों से ट्रैक्टर खरीदने के लिए कहता था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से घर वाले इनकार कर देते थे। अपने शौक को पूरा करने के लिए उसने पिता से कुछ रुपए मांगे। इसके बाद वो कबाड़ की दुकान पर गया। यहाँ से पुरानी बाइक का इंजन, टूटी फूटी मारुति कार की स्टेयरिंग और कबाड़ में पड़े ऑटो का टायर खरीद कर घर ले आया। फिर उसने घर में पड़े लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर अपने सपने को साकार कर दिया। इस मिनी ट्रैक्टर को चलाकर जब पहली बार वो गांव की सैर पर निकला तो लोग हैरान रह गए। इसने लकड़ी के टुकड़े, लोहे के टुकड़े या कुछ वेस्टेज पुर्जे इकट्ठे करके और इसने ये एक ट्रैक्टर बना के दिखा दिया, जिसका लाभ जो है कोई भी आदमी अपने जीवन के अंदर उठा सकता है। बेहद अभाव में गुजर बसर कर रहे नवदीप के परिवार को अपने बेटे पर नाज है, लेकिन उन्हें इस बात का मलाल है
कि पैसों की तंगी के चलते वो इसे अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसके पास पूरी मशीनरी या पूरे इसका सहयोग किसी तरह से अगर मिल जाए तो पता नहीं कितना बड़ा जो है ये इंजीनियर बन सकता है। घर वालों के मुताबिक बचपन से ही नवदीप का दिमाग इंजीनियरिंग में ही लगता है। वो पढ़ने में काफी होशियार है लेकिन पैसों के अभाव में वो उसे शहर पढ़ने नहीं भेज पा रहे हैं। गांव वालों की मांग है कि अगर सरकार उसे आर्थिक मदद दे और पढ़ाई के लिए वजीफा दे तो नवदीप अपने आविष्कारों से देश का नाम रोशन कर सकता है। भूपेंद्र मोर, हिसार, आज तक। गांव की उस पढ़ी लिखी लड़की को करीब 10 महीने पहले गांव के लोगों ने सरपंच चुना था। 10 महीनों में ही उसने गांव में वो काम कर दिया जो पिछले 6 दशक में नहीं हुआ था। शानदार काम की वजह से उसे देश की 100 विमेन अचीवर्स में शामिल किया गया। 22 जनवरी को दिल्ली में उसे राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया गया। गांव में गणतंत्र को मजबूत करने वाली उस नायिका से आपको मिलवाते हैं। सरपंच भक्ति शर्मा की ये तस्वीरें चंद दिनों पुरानी हैं। राष्ट्रपति भवन में उन्हें सम्मानित किया गया था। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने उनका नाम 100 वुमन अचीवर में शामिल किया था। फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली भक्ति एसयूवी कार चलाकर अपनी ग्राम पंचायत का दौरा करती है। पिछले साल फरवरी में गिलास चुनाव चिन्ह पर वो ग्राम पंचायत बरखेड़ी अब्दुल्ला से सरपंच चुनी गई। ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद अपने घर के अंदर ही वॉशरूम्स होना, एंड थर्ड जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है वो कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटीज लगता है। तो मुझे इस चीज़ को समझ में आया कि अगर आप किसी को उठाना चाहते हैं या अगर उनका लेवल बढ़ाना चाहते हैं लाइक उनका लिविंग स्टैंडर्ड, तो कहीं ना कहीं पहले मुझे उनको बेसिक एमिनिटीज देनी चाहिए। भोपाल से ग्रेजुएशन के बाद भक्ति अमेरिका में 3 महीने के लिए घूमने गई थी। उस दौरान उन्हें कई नौकरी के ऑफर मिले लेकिन उन्होंने अपने गाँव के सारे ऑफर ठुकरा दिए। सरपंच बनने के बाद भक्ति सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ गांव वालों को दिला रही हैं। उनकी पहल पर गांव के स्कूल और आंगनबाड़ी में तेजी से सुधार हुआ है। सड़क बनवाने के साथ साथ गांव में पक्के शौचालय बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गांव वालों का कहना है कि पढ़ी लिखी सरपंच होने से उनके गांव की तस्वीर ही बदल गई है। कुछ बदलाव आया है गाँव में, लैट्रिन बन गई, मकान बन रहा है, सड़क की योजना बन रही, मतलब सब बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। भक्ति के मुताबिक केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक पर वोटिंग के आधार पर 100 महिलाओं को चुना है। भक्ति की इस उपलब्धि से पूरा गांव बेहद खुश है। सरपंच भक्ति शर्मा ने ये कभी नहीं सोचा था कि साल भर के भीतर उसके प्रयास की गूंज राष्ट्रपति भवन तक सुनाई देगी। भक्ति के मुताबिक ये उसके सबसे यादगार लम्हों में है। अब गाँव के लोग भी भक्ति की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और भक्ति के काम का असर देखना चाहते हैं। कैमरामैन निषाद के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक।